जब भी कोई भी त्यौहार आता है तो हम सबके घर में कोई ना कोई मिठाई ज़रूर बनती है, या फिर हम मार्केट से कोई ना कोई मिठाई लेके आते हैं। तो आज हम यहाँ पे बिल्कुल हलवाई स्टाइल कलाकंद बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनता है और एकदम टेस्टी लगता है। इसका जो टेक्सचर है वो एकदम सॉफ्ट है और दानेदार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चलिए क्विक एंड ईजी कलाकंद बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे स्प्रेड कर लेंगे। अब मैंने कलाकंद बनाने के लिए 1 लीटर जितना फुल फैट मिल्क लिया है। इसे हमें तब तक बॉईल करना है जब तक कि इसमें एक उबाल आके तैयार ना हो जाए। जब तक दूध उबलता है तब तक हम दूध को कर्डल करने के लिए एक मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना विनेगर लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अभी इस मिश्रण को हम साइड में रख देंगे। तो अभी दूध में एक उबाल आने लगा है, तो विनेगर वाला जो मिश्रण है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करना है, और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो अच्छे से कड़ल हो गया है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे स्ट्रेनर में ऐड कर देंगे। ये जो छेना है इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी खट्टापन है वो निकल जाए, और इस तरह प्रेस कर लेंगे ताकि जो पानी है वो निकल जाए। अब पैन में 500 ml जितना फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे और इसे हमें हाई फ्लेम पे उबालना है जब तक कि इसमें एक उबाल आके तैयार ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो उबलने लगा है। तो इसमें 125 ग्राम जितनी शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप 100 से 125 ग्राम जितनी शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध थोड़ा सा उबल जाए उसके बाद हम इसमें 1/4 कप जितना मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर इसमें ऐड करने से जो हमारा कलाकंद है उसमें एक अच्छा सा टेस्ट और टेक्स्चर आता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसे फिर से हम 1 मिनट के लिए उबालेंगे। जब भी हम कलाकंद बनाते हैं तो उसके लिए जो छेना का इस्तेमाल करते हैं वो छेना सॉफ्ट होना चाहिए। जब भी हम घर पे छेना बनाते हैं तो उसमें जो विनेगर और नींबू का प्रपोर्शन होता है वो ज़्यादा ऐड नहीं करना है, अदरवाइज़ जो हमारा छेना होता है वो हार्ड और रबरी बन जाता है। अगर यहाँ पे आप रेडीमेड छेना का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जो रेडीमेड मलाई पनीर आता है वो 200 ग्राम जितना लेना है और इसे ग्रेट करने के बाद इसमें ऐड करना है। अब इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो सारा मिश्रण है वो एकदम ड्राई बनके तैयार ना हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे मध्यम आँच पर पका के प्रिपेयर कर लेंगे। तो धीरे धीरे जो दूध है वो जलने लगा है और हमारा मिश्रण है वो गाढ़ा होने लगा है। अब कलाकंद में एक अच्छा सा टेक्सचर आए इसके लिए हम इसमें 3 से 4 चम्मच जितनी घर की जो फ्रेश मलाई होती है वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो जो रेडीमेड फ्रेश क्रीम आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे। मलाई ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि जो मिश्रण है वो गाढ़ा होने लगा है। यहाँ पे ये जो कलाकंद है इसे हम 2 फ्लेवर में बनाएंगे, एक इलायची और एक केसर फ्लेवर में। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मिश्रण है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो इसमें 2 चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। घी इसमें ऐड करने से एक अच्छे से सॉफ्टनेस आती है। उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच जितना कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्लेन कलाकंद बनके तैयार हो गया है, लेकिन हम इसे 2 शेड में बनाएंगे। तो पहले 1/2 मिश्रण हम डिश में डिवाइड कर देंगे और बाकी का जो 1/2 मिश्रण है इसमें हम केसर वाले फ्लेवर ऐड करेंगे। ये जो कलाकंद है इसमें आप रोज़ फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 5 से 6 जितने केसर के धागे को पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 1 से 2 बूंद जितना लेमन येलो कलर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। लेमन येलो कलर इसमें ऐड करना टोटली ऑप्शनल है। तो अभी मिश्रण को हम टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने जो केक टिन आता है वो लिया है। पहले हम वाइट जो मिश्रण है इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। जब भी हम कलाकंद बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, एकदम ड्राई हमें नहीं करना है। अब ये जो कलाकंद है इसके ऊपर हम दूसरा लेयर स्प्रेड करेंगे। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से चॉप किए नट्स ऐड करेंगे, यानी कि आलमंड और पिस्ता फ्लेक्स ऐड करेंगे, और इसे 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। जैसे ही ये अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद हम इसे पीसीस में कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कलाकंद है वो कितना परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुआ है।
मैंने आपके साथ काफ़ी सारी मिठाई की रेसिपी शेयर की हुई है, उसमें से शुगर फ्री भी मिठाई है तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।